गाड़ी भी रद्द कोई मदद नहीं कर तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे अवतरित हुए और बिना सोचे समझे, बिना कोई इंतजाम किए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन से दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से लाखों मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए मजदूरों के झकझोर देने वाले वीडियो सामने आए। इस दौरान सैकड़ों मजदूर सड़क हादसों में मारे गए, जाने कितने ही परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। लेकिन मोदी सरकार ने इन गरीब मजदूरों की मौत पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। इतना शर्मनाक कि शर्म भी शर्म आ जाए। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार को नहीं मालूम कि इस दौरान कितने मजदूर मारे गए, इसलिए मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने विपक्ष के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र तार तार हो गया। लेकिन सरकार भूल सकती है, देश की गोदी मीडिया भूल सकती है, सरकारी एजेंसियां भूल सकती हैं, लेकिन आज द शूद्र सरकार को तारीख दर तारीख बताएगा कि किस दिन देश के किस हिस्से में कितने मजदूर बद इंतजामी का शिकार हुए थे। ये वीडियो देखने के बाद मजदूरों की मौत का तमाशा बनाने वालों को चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। मार्च लॉकडाउन की वजह से पहली मौत तमिलनाडु में हुई थी। केरल में काम करने वाले 10 मजदूर जंगल के रास्ते अपने घर तमिलनाडु लौट रहे थे। जंगल में आग लग गई और 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। इसमें 1 साल की मासूम बच्ची भी थी। 27 मार्च हैदराबाद में 8 प्रवासी मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। 28 मार्च बिहार के भागलपुर में 4 मजदूरों ने घर लौटने की जद्दोजहद में दम तोड़ दिया। 28 मार्च महाराष्ट्र के मुंबई के विरार में पैदल जा रहे 7 मजदूरों को टेम्पो ने कुचल दिया था। 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। 28 मार्च गुजरात के वापी में 2 महिला मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया था, दोनों की मौत हो गई थी। 29 मार्च हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 4 मजदूर हादसे का शिकार हो गए थे। 29 मार्च को ही दिल्ली से आगरा तक 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 39 साल के रणवीर सिंह ने दम तोड़ दिया था। 31 मार्च जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। 1 अप्रैल हरियाणा के गुरुग्राम में 5 मजदूरों की मौत सड़क हादसे में हुई थी। 30 अप्रैल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, उनकी हादसे में मौत हो गई। 30 अप्रैल को ही बिहार में 2 मजदूरों की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। 5 मई यूपी के मथुरा में एक ट्रक टेम्पो की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। 7 मई लखनऊ में साइकिल से छत्तीसगढ़ के लिए निकले मजदूर की अपनी पत्नी समेत मौत हो गई थी। 8 मई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया था, ट्रैक पर उनकी रोटियां बिखरी हुई थी। उन तस्वीरों को आप कैसे भुला सकते हैं। इस हादसे पर तो खुद मोदी जी ने भी ट्वीट कर दुख जताया था। पीएम ने 8 मई को सुबह 8:51 पर लिखा था, औरंगाबाद में हुए रेल हादसे से स्तब्ध हूँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की, वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं, हर संभव मदद की जाएगी। तो क्या देश के श्रम मंत्री संतोष गंगवार को ये भी दिखाई नहीं दिया। मौतों का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 9 मई भागलपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी। 10 मई अलग अलग हादसों में एमपी के नरसिंहपुर, बड़वानी, सागर और शाजापुर जिलों में कुल 10 मजदूरों की मौत हुई थी। 11 मई झारखंड के जमशेदपुर में ट्रक का ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 मजदूर मारे गए। 13 मई एमपी के गुना में देर रात 60 से ज्यादा मजदूरों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया था, इस हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई थी। 13 मई को ही 68 साल के राम कृपाल मुंबई से 1600 किलोमीटर चलकर संत कबीर नगर पहुंचे थे, लेकिन घर से सिर्फ 30 किलोमीटर पहले उन्होंने दम तोड़ दिया था। 14 मई आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मजदूरों से भरा ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया था, करंट लगने से 13 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 14 मई मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर एक बस ने 6 मजदूरों को रौंद दिया था।
14 मई को ही बुलंदशहर से बिहार के गया जा रहे मजदूर को रायबरेली की डोली ग्राम सभा के पास कार ने टक्कर मार दी थी। मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी। 14 मई को ही बिहार के समस्तीपुर में शंकर चौराहे के पास एनएच 28 पर प्रवासी मजदूरों को लेकर कटिहार जा रही बस चांदचौर के पास ट्रक से टकरा गई, जिससे दो मजदूरों की मौत हो गई थी। 16 मई यूपी के औरैया में 24 मजदूरों की मौत हुई थी और करीब 36 मजदूर घायल हुए थे। सभी मजदूर एक ट्राले पर सवार होकर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे। 140 मजदूरों की मौत तो सिर्फ हमने बता दी। गैर लाभकारी संगठन सेव लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 18 मई सुबह 11 बजे तक लगभग 1236 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी थी, जिनमें 423 लोगों की मौत हुई थी और 833 लोग घायल हुए थे। मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। खूब हंगामा हुआ तो महीने भर बाद श्रमिक ट्रेन चलाई गई, लेकिन बद इंतजामी ने यहां भी मजदूरों की जान ले ली। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 9 मई से 27 मई के बीच श्रमिक ट्रेनों में कुल 80 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। मुजफ्फरपुर से आई तस्वीरों को क्या अंधी सरकार नहीं देख पा रही? गुजरात से श्रमिक ट्रेन में चढ़ने वाली मजदूर मां ने मुजफ्फरनगर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया था। उसका शव प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा। मासूम बच्चा कफन को आंचल समझकर मां को जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुर्दा प्रशासन को होश नहीं आया। जाने कितने ही लोगों ने आर्थिक तंगी, भूख, बदहाली और सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी, लेकिन खुद को गरीब माँ का बेटा कहने वाले पीएम मोदी के मंत्री को देश की गरीब और लाचार जनता की ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती। श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी, क्या आप सिर्फ वोटों की गिनती करने के लिए मंत्री बने हैं? क्यों आपको ये आंकड़े दिखाई नहीं देते? क्यों आपके कानों तक मजदूरों की आह नहीं पहुंच पा रही? आपकी इस बेरुखी को धिक्कारने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस वीडियो को मुर्दा हो चुकी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट डिटेल में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।